उधर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया चंडीगढ़ दौरे पर रहे, जहां इस दौरान मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि वो पंजाब के शिक्षा मंत्री को खुला चैलेंज देते हैं कि दिल्ली और पंजाब के स्कूलों की हालत देख लें कि आम आदमी पार्टी ने किस तरह से दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया है। पंजाब के शिक्षा मंत्री जी ने इस पर बहस करनी चाहिए और पंजाब के शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने देखा है पंजाब के स्कूल, सरकारी स्कूल बहुत शानदार हैं। मैं उनको खुला निमंत्रण हूँ आप सबके माध्यम से कि वो आए, मैं उनको दिल्ली के 10 सरकारी स्कूलों में ले जाऊंगा और वो मुझे पंजाब के ऐसे 10 सरकारी स्कूलों में ले जाएं जो उनकी सरकार ने ठीक किए हैं, जो उनकी सरकार ने बदले हैं। मैं उनको दिल्ली के 10 ऐसे सरकारी स्कूलों में लेके जाऊंगा जहां पिछले 5 साल में हमको एक बार सरकार चलाने का मौका मिला, हमने वहां परिवर्तन किए हैं। मैं ऐसे 10 स्कूलों में लेके चलूंगा, ऐसे स्कूलों में लेके चलूंगा जहाँ के बच्चे अब IIT में जा रहे हैं, नीट में जा रहे हैं। आप भी मुझे अपने ऐसे सरकारी स्कूलों में लेके चलिए जहाँ के बच्चे अब IIT और नीट में जाने लगे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है Google Play और App Store पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।